हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने कई टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं और आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दोस्तों, आप में से कईयों को बल्कि हम सभी को कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन होता ही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि आप हर रोज मोशन पास करें। ये कॉमन है कि आप एक दिन छोड़ के या इरेगुलरली मोशन पास करते हैं, दैट इज नॉर्मल, वो भी नॉर्मल है। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली उसे कहते हैं अगर आप हफ्ते भर में तीन या तीन से कम बार मोशन पास करते हैं तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। चलिए देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है। दोस्तों, मोशन आपके जो फीसेस, स्टूल्स, जो आपकी लैट्रिन है, जब वो आपके इंटेस्टाइन से, अतड़ियों से पास होती है तो उस समय उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और साथ ही पानी भी एब्जॉर्ब होता है और उसकी एक स्पीड होती है, एक तेजी होती है जिससे वो आपकी अतड़ियों से पास होके स्लोली नीचे आपके मोशंस में निकल जाता है। तो दोस्तों, लेकिन अगर ये मूवमेंट, अगर आपके बाउल्स की, आपकी लैट्रिन की, आपके स्टूल्स की मूवमेंट आपके अतड़ियों में स्लो हो जाती है तो उस स्लो मूवमेंट की वजह से वो ज्यादा वक्त आपकी अतड़ियों में गुजारेंगे और ज्यादा वक्त में ज्यादा पानी उनमें से एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और इसीलिए वो आगे चल के वहां उसके जो एनस है वहां पे फंस सकते हैं और इंपैक्शन, फीकल इंपैक्शन हो जाता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ये सबसे कॉमन रीजन है कॉन्स्टिपेशन होने का। तो दोस्तों, ये क्यों होगा कि बॉबल मोशंस स्लो हो जाएं? ऐसा होने का कारण सबसे कॉमन है डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना। पानी कम पीने की वजह से ऑलरेडी कई दफा जो आपके मोशंस होते हैं, बॉबल्स होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सख्त होते हैं और उसमें से इंटेस्टाइन के थ्रू जाना ही स्लो हो पाता है क्योंकि सख्त स्लो जाएगा और जो सॉफ्ट होंगे, लिक्विडी होगा, वो जल्दी जल्दी जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसीलिए पानी कम पीने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसी के साथ अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स, जो आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, उनमें अगर बदलाव आ जाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नॉर्मली हमें एक रेगुलर अमाउंट में फाइबर खाना चाहिए। अगर फाइबर नहीं हम खाते हैं तो जो बल्क बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी बॉवल को, मोशन को पास होने के लिए आपकी बॉवल मूवमेंट्स के लिए प्रॉपर अमाउंट होना बहुत जरूरी है और साथ ही उसमें बल्क होना जरूरी है। इसलिए कई दफा जब हम डाइटरी चेंजेस करते हैं, एकदम से वेज से नॉन वेज होते हैं या एकदम से कहीं ट्रैवल करते हैं और टोटली अलग खाना खाना शुरू कर देते हैं तो भी कई दफा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसी के साथ जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, एक्टिविटी छोड़ देते हैं, या फिर हमें कोई चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, हम बेड रिडन हो जाते हैं, या मे बी अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए उस वजह से ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता, तो भी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर पाने से भी आपकी बॉडी के अंदर जो बॉवल मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और साथ ही दवाइयों से, कई ऐसी दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं कि वो बॉवल मूवमेंट स्लो कर देते हैं और उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो मोस्ट कॉमनली बुढ़ापे में, एल्डरलीज में, ये सबसे कॉमन कॉज है दवाइयां, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटरी हैबिट्स एंड डिहाइड्रेशन। सो इन सब चीजों से आपकी मोशंस का, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से उसमें से पानी सारा का सारा निकल जाने की वजह से वो हार्ड, सख्त, ड्राई हो जाते हैं और नीचे जाके अटक जाते हैं। फीकल इंपैक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
ऐसा ही आपके साथ आज नहीं तो कल हो चुका है या होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रेगुलरली अपनी अर्ज को, मोशन पास करने की अर्ज को रोक के रखते हैं, खासकर अगर आप बाहर हैं, कहीं सोशली किसी से मिलजुल रहे हैं और आपको अर्ज हो रहा है और आप उसे रोक के रखते हैं, ऐसा रेगुलर करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि रेगुलरली जितना वक्त ज्यादा आपकी मोशंस, आपके स्टूल्स, आपके इंटेस्टाइन में गुजारेंगे, उतना ही उनसे पानी निकलता जाएगा। सो इसलिए रेगुलर बाउल एंटिंग ही जरूरी है, खासकर जब अर्ज आती है तो उसे पास करना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, हाइपोथायराइड हैं, इन पेशेंट्स में भी आपकी बाउल मूवमेंट स्लो होगी और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्लो बाउल मूवमेंट के अलावा एक और कारण है जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी डिलेड एम्प्टिंग, यानी कि अगर उसके बाहर जाने के रास्ते में कहीं पर रुकावट। ये रुकावट कई प्रकार की हो सकती है, हो सकता है कोई चीज आपके आपको दबा रही हो, हो सकता है अंदर कोई मास हो, कोई ट्यूमर हो, कोई ऐसी चीज हो जो उसे दबा रही हो, या फिर कई दफा मसल्स ही इतने टॉट होते हैं या मसल्स रिलैक्स होके फैल जाते हैं तो पॉकेट्स बन जाते हैं। तो ऐसे कारणों के वजह से भी बॉवल्स जो है अटक के वहां पर सूख जाते हैं और फिर इंफेक्शन हो जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन इन सब कारणों से होता है, और अगर आपको एक हफ्ते में 3 से कम बार मोशंस आते हैं और वो पेनफुल है, साथ ही दिक्कत बढ़ रही है, तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर्स कई जांचें करते हैं। सबसे कॉमन जांचें जो होती हैं, उसे कहते हैं DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपके डॉक्टर आपके एनस के थ्रू फिंगर डाल के चेक करते हैं कि वहां पे कोई फीकल इंपैक्शन तो नहीं है, आपकी स्टूल्स हार्ड होके फंस तो नहीं गई है, और अगर वो फील होते हैं तो फिर उसे इजीली एनीमा देके निकाला जा सकता है, या फिर कई दफा मैन्युअली एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता है और डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि ऊपर बॉवल में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है, कोई चांसेस हो ब्लीडिंग के, ट्यूमर के या पॉलिप्स के, तो फिर आपके डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी की एडवाइस देंगे, जिसके थ्रू वो एक फ्लेक्सिबल पतली सी पाइप आपके एनस के थ्रू डालते हैं, देखने के लिए उसमें से दूरबीन से देखते हैं कि ऊपर के रास्ते में कहां रुकावट है, क्या दिक्कत है। उसमें से वो बायोप्सी भी ले सकते हैं, छोटा सा टिश्यू ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए, और अल्टीमेटली डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। और एक बार प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आए तो ही उसका 100% निवारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट का एक्सरे भी करके देखा जा सकता है, और पेट के एक्सरे के अलावा कैप्सूल एंडोस्कोपी का भी ऑप्शन आजकल आ गया है, जो हर जगह नहीं होता लेकिन आ चुका है, जिससे कि आपको एक कैप्सूल खिलाई जाती है, वो कैप्सूल पेट में सारी जगह जाते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है कि अंदर कहां पे क्या दिक्कत है, और उसको फिर बाद में स्टडी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब सारी चीजों से हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली एक मैकेनिकल प्रॉब्लम के वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कि या तो मोशंस जो हैं, बॉवल्स जो हैं, फीसेस जो हैं स्लो आ रहे हैं, या फिर उनको कोई ना कोई चीज रोक रही है। तो दोस्तों, इसका कारण पता करना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन कॉज है कि वो स्लो आ रहे हैं, उसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए बट ऑब्वियसली आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि नंबर एक, आपको पानी खूब सारा पीना है, 2.5 लीटर से आसपास पानी आपको दिन भर में पीना जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर बहुत सारा खाना है, हाई फाइबर डाइट जो होती है, जिसमें कि आप बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, हर प्रकार का फ्रूट्स, हर प्रकार के फ्रूट्स आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं, एक नेचुरल लैक्सेटिव होते हैं, और फाइबर जो होता है जिसे हम कहते हैं हाई फाइबर डाइट, वो भी एक नेचुरल लैक्सेटिव का मतलब होता है स्टूल सॉफ्टनर, जो आपके बॉबल्स को सॉफ्ट करते हैं।
तो नेचुरल लेक्सेटिव जिसे कहते हैं, नेचुरल जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, वो हर प्रकार का फ्रूट्स और फाइबर्स जिसमें कि सैलेड्स, लेटिस, आपके स्पिनिच और हर प्रकार का सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स और फाइबर, हाई फाइबर मींस ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, होल ग्रेन्स यानी ब्राउन राइस, ये सब चीजें, हाई ओट्स, हाई फाइबर डाइट लेने से आपकी बाउल्स जो है उनकी मूवमेंट्स बढ़ती हैं। लेकिन दोस्तों फाइबर ज्यादा खाने से ब्लोटिंग और गैस भी हो सकती है, तो आप फाइबर अपने डाइट में धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से बहुत ही ज्यादा फाइबर लेना भी सही बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत अच्छी तरह से पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से भी बाउल की मूवमेंट स्मूथनेस और एक्टिव मूवमेंट बल्कीनेस बढ़ती है और बाउल अच्छे से पास होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट हफ्ते भर में 2.5 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी है। इसको आप अपने एज और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, या सिंपल दौड़ना, भागना, जॉगिंग, स्विमिंग, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज 2.5 घंटे की हफ्ते भर में जरूरी है। इसे आप हफ्ते भर में 4-5 दिनों में डिवाइड करके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मोशन की अर्ज हो रही है तो उसे ना रोकें। अगर टाइम लगता है तो आप वो टाइम लीजिए, आप वॉशरूम में टाइम बिताइए और अपनी बॉडी ट्रेनिंग करिए। हाँ दोस्तों, आप एक्चुअली में अपनी मोशंस को ट्रेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, डेली बेसिस पे मोशंस होने के लिए। ये बहुत कॉमन है, कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोगों का हमेशा नाश्ता करने के बाद या चाय पीने के बाद मोशंस होते हैं, या अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ही होते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें आप रेगुलर बेसिस में कुछ वक्त लगा के वॉशरूम के अंदर अपने बॉबल्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली में कोई दवा खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि क्या वो दवा की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके डॉक्टर वो दवा बदलेंगे और आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ आ जाएगा। और दोस्तों जिस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान खाना स्किप नहीं करना है। अगर आप खाना पीना स्किप करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं होगा, आपको उल्टा दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रोसेस फूड, जंक फूड आप अवॉइड करें, और जब भी फल फ्रूट आप खाते हैं, जिन फल फ्रूट के जो स्किन है, कवरिंग है, जो कि एडिबल है, जो आप खा सकते हैं, उसे छील के ना खाएं। जो मेन फाइबर बल्क होता है वो इसी स्किन में होता है, इसलिए जो भी फल स्किन के साथ खाया जा सकता है उसे अच्छे से धो के आप उसे साफ करके फिर आप स्किन के सहित खाएं। फिर भी अगर इन सब चीजों से भी 1-2 दिन में आपकी बॉबल्स मोशंस हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉबल मोशंस नहीं हो रही है तो आपको लैक्सेटिव्स लेना पड़ेगा। पर लैक्सेटिव्स यानी बॉबल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेंगे, और लैक्सेटिव को आपको 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, नौशिया हो रहा है, तो भी आप लैक्सेटिव अवॉइड करेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर आपको एनीमा देके मोशंस पास करवा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली एक मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत इग्नोर करने से या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होने से, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने से, ये एक मेजर प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट में दर्द हो, उल्टियां आ रही हैं, नौशिया हो रहा है, या मोशन लैटरिंग बहुत ज्यादा सख्त या काली आ रही है, उसमें खून आ रहा है, तो इसे अवॉइड ना करें और डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाएं। अगर आपके कोई भी सवाल है या आप किसी एक टॉपिक पे ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हमारे वीडियोस शेयर करना ना भूलिए एंड चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए।